दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद दिलीप सर में स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग इस सेशन में हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के सबसे महत्वपूर्ण पीरियड का डिस्कशन करेंगे और वो है आपका रिनेसा। दोस्तों एक्चुअली अगर हम कहें तो इंग्लिश लिटरेचर का एक गोल्डन पीरियड माना जाता है, इसलिए इस एज से बहुत ज़्यादा सवाल आपके एग्जाम के लिए बनते हैं, तो इस एज को हम लोग बहुत अच्छे से कवर करेंगे। आज हम लोग जनरली रिनेसा को देख रहे हैं कि रिनेसा क्या है, क्या परिवर्तन आया है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर के क्रम में, और उसके बाद जो इसका हम लोग सब डिवाइड किए हैं उस पे एक अलग लेक्चर आपके लिए आएगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि हमारे लिए इस सेशन से कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। तो जो भी पॉइंट दोस्तों आपको अच्छा लगे तो प्लीज उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, आपके एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला पॉइंट है कि द वर्ड रिनेसा इज अ फ्रेंच वर्ड विच मीन्स रीबर्थ, पुनर्जन्म। दोस्तों पूछा गया था एक बार एग्जाम में कि जो रिनेसा वर्ड है ये किस भाषा के शब्द से आया है, तो ये फ्रेंच भाषा से आया। ऑप्शन में आपको लैटिन भी मिलेगा दोस्तों, याद रखिएगा फ्रेंच भाषा से लिया गया इस शब्द को, जिसका मीनिंग होता है, अर्थ होता है पुनर्जन्म। इट इज कंसिडर्ड टू द डिविजन बिटवीन द मिडिल एजेज एंड द मॉडर्न एरा। दोस्तों मिडिल एज और मॉडर्न एज के बीच में, बीच का इसे हम डिविजन पार्ट भी मानते हैं, क्योंकि इस समय में कुछ ऐसे आविष्कार हुए, चाहे वो साइंस का क्षेत्र हो, कल्चर का क्षेत्र हो, या कोई भी क्षेत्र हो, ऐसे ऐसे डेवलपमेंट हुए, इन्वेंशन हुए कि आधुनिक युग के तरफ हमारा संसार बढ़ चला। तो पूछा जा सकता है कि किस पीरियड को हम डिविजन पीरियड ऑफ मिडिल एज एंड मॉडर्न एज का मानते हैं। अगला पॉइंट है कि रिनेसा इज अ फ्रेंच वर्ड मीन्स रीबर्थ, रिपीट हो गया है दोस्तों। इट सिंबलाइज द बिगनिंग ऑफ अ न्यू एरा ऑफ आर्ट, रीबर्थिंग द क्लासिकल लर्निंग। दोस्तों इस समय फिर से ग्रीक और लैटिन जैसे क्लासिक भाषाओं का या क्लासिक लर्निंग का मतलब फिर से इंटरेस्ट बढ़ा, फिर से लोग उसमें रुचि लेने लगे। द टर्म रिनेसा क्वाइंड बाई फ्रेंच हिस्टोरियन जूल्स मिकलेट माइकलेट। याद रखिएगा जो टर्म है आपका रिनेसा, इसको सबसे पहले यूज किए थे जूल्स माइकलेट इन 1858। इट इज कॉल्ड अर्ली मॉडर्न एज। दोस्तों ये डिविजन पीरियड है मॉडर्न और मिडिल का, इसलिए इसे हम अर्ली मॉडर्न एज के नाम से भी जानते हैं। पेट्राकन इज नॉन एज द फादर ऑफ रिनेसा। दोस्तों याद रखिएगा पेट्राकन को हम फादर ऑफ रिनेसा के रूप में जानते हैं। तो इस फर्स्ट स्लाइड से आपके लिए दो तीन पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे ये फ्रेंच वर्ड से है, दूसरा यह मिडिल और मॉडर्न को डिवाइड करता है, इसलिए इसे हम मॉडर्न अर्ली मॉडर्न एज के नाम से भी जानते हैं, और इसके फादर के रूप में किसे जानते हैं, तो पेट्राक को जानते हैं। तो फोर पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए ताकि आपको परीक्षा में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अगला पॉइंट है दोस्तों, द थिंकर ऑफ दिस पीरियड ऑल्सो कॉल्ड ह्यूमनिस्ट। इस समय के जो थिंकर थे, विचारक थे, उनको हम ह्यूमनिस्ट के नाम से भी जानते हैं। बिलीव दैट द मैन शुड बी द सब्जेक्ट ऑफ ए स्टडी एंड नॉट गॉड। पूछा जा सकता है कि किस पीरियड का थीम है कि द मैन शुड बी द सब्जेक्ट ऑफ ए स्टडी एंड नॉट गॉड, तो ये आपका हो जाएगा रिनेसा। और ये किन लोगों का विचार है, ह्यूमनिस्ट मानववादियों का विचार है, और जो सबसे बड़े ह्यूमनिस्ट थे वो थे आपके सर थॉमस मूर। दोस्तों ही वाज कंसीडर्ड वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल इंग्लिश ह्यूमनिस्ट मेनली फॉर हिज बुक यूटोपिया रिटन इन लैटिन। याद रखिएगा इनकी एक पुस्तक है एक जिसका नाम है यूटोपिया, इसको लैटिन में लिखा गया था, इन विच वेयर अबाउट एन इमेजिनरी आइसलैंड, एक काल्पनिक टापू की बात की गई है, वेयर एवरीथिंग इज परफेक्ट, जहां पे हर चीज क्या है सही है, वहां पे अनैतिकता नहीं है, मतलब एक आदर्श जीवन की यहाँ पे लेखक कल्पना करते हैं। दोस्तों एक छोटा सा सवाल मैं आपके लिए यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, आपको बताना है कि यूटोपिया की पब्लिकेशन कब हुई थी। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट फॉर यू, वेन इट वॉज पब्लिश एंड इट वॉज रिटन बाई थॉमस मूर एंड ही वॉज द वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश ह्यूमनिस्ट। अब दोस्तों हम बात करेंगे स्टेजेज ऑफ रिनेसा। तो सबसे पहले इसके ओरिजिन्स को देख लेते हैं कि कैसे कहाँ पे ये विकसित हुआ। रिनेसा स्टार्टेड इन लेट 13th सेंचुरी इन फ्लोरेंस इटली में। दोस्तों ये 13वीं शताब्दी में शुरू हुआ, वो स्थान था फ्लोरेंस,
इन द पार्टिकुलर विद द राइटिंग ऑफ दांते एंड पेट्राक। तो आपके जो राइटर थे दांते और पेट्राक, इन्हीं के रचनाओं से रिनेसा की शुरुआत होती है। इन द 5th सेंचुरी 15वीं शताब्दी में रिनेसा स्प्रेड रैपिडली फ्रॉम द फ्लोरेंस टू द रेस्ट पार्ट ऑफ इटली एंड सून टू द रेस्ट ऑफ वर्ल्ड यूरोप। तो 15वीं शताब्दी में फ्लोरेंस से ये ज्ञान का प्रसार निकलकर तेजी से पूरे इटली देश में पहले फैलता है, मतलब इटली के एक शहर से पूरे इटली में फैलता है जो बाकी स्थान थे, उसके बाद पूरे यूरोप में फैल जाता है। सबसे इम्पोर्टेंट रहा दोस्तों इस समय का द इन्वेंशन ऑफ प्रिंटिंग प्रेस, किसके द्वारा? एक जर्मन प्रिंटर थे जिनका नाम था जोहान्स गुटरबर्ग। अलाउड द रैपिड ट्रांसमिशन ऑफ द दिस न्यू आइडिया। तो ये नए जो विचार आया था रिनेसा, इसको स्प्रेड करने में दोस्तों सबसे बड़ा जो रोल रहा वो प्रिंटिंग प्रेस का था। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्त पहले जो पुस्तकें थी वो रिटेन थी, हैंड रिटेन थी, तो काफी कॉस्टली होती थी, तो जो लोगों का विचार था वो बहुत लोगों के पास नहीं पहुंच पाता था। लेकिन जब प्रिंटिंग प्रेस का डेवलपमेंट हो गया, इन्वेंशन हो गया, तो उसके बाद किताबें बहुत ज्यादा छापी जाने लगी और उसका जो कॉस्ट था वो भी कम लगता था। इसलिए जो ज्ञान थे वो काफी तेजी से स्प्रेड किए थ्रू द रिटेन फॉर्म। इसलिए ये जो प्रिंटिंग प्रेस है ये भी एक वाइटल रोल निभाता है इन द डेवलपमेंट ऑफ नॉलेज। अब दोस्तों हम जिस स्टेज की बात कर रहे थे, जो रिनेसा है उसको यहाँ पे हम इसको कुछ भागों में बांट सकते हैं। जनरली इसको 4 या 5 भाग में बांटते हैं। एक अर्ली रिनेसा भी आता है, लेकिन यहाँ पर हम इलिजाबेथ से ही कवर कर रहे हैं क्योंकि यहीं से आपकी परीक्षा के लिए सवाल बनते हैं। तो दोस्तों जनरली आपको हम बताया थे कि 1500 से लेकर 1600 शताब्दी को हम जानते हैं रिनेसा, लेकिन यहाँ पे आप अच्छे से देखिएगा तो 1500 से लेकर 1660 तक चलता है। जो इंग्लैंड का रिनेसा है वो 1558 से शुरू होता है। इंग्लैंड में इलिजाबेथ के समय से रिनेसा आता है 1558 से लेकर 1603 तक। तो आप यहाँ पे याद रखिएगा कि इलिजाबेथ पीरियड या इलिजाबेथन एज कब से कब तक है, तो 1558 से 1603 तक। उसके बाद है जोकोबियन एज जो 1603 से 1625 तक चलता है। फिर है कैरोलाइन एज जो 1625 से 1649 तक चलता है। और उसके बाद है कॉमनवेल्थ पीरियड जो 1649 से 1660 तक चलता है। तो यहाँ पे दोस्तों इलिजाबेथ की बात करते हैं, इसमें क्वीन थी इलिजाबेथ, जेम्स फर्स्ट, चार्ल्स फर्स्ट, और यहाँ पे बताइएगा कॉमनवेल्थ पीरियड में कौन लोग शासन किए थे दोस्तों, जरूर कमेंट में बताइएगा। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले यदि इस आप चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, वोकैब्स, टेस्ट बुक, इन सारे चीजों की तैयारी कराई जाएगी। अब दोस्तों हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखते हैं। जो आपका एलिजाबेथ एज है, जेकोबियन एज है या कैरोलाइन एज है, ऐसे इस पे पार्टिकुलर वीडियो में अपलोड करूंगा। पूरे डिटेल्स क्लास रहेगा एलिजाबेथ पे, जेकोबियन पे या कैरोलाइन, या फिर यह बात हम करें कॉमनवेल्थ पीरियड की। तो एलिजाबेथन एज इज द गोल्डन एज ऑफ इंग्लिश ड्रामा। याद रखिएगा इंग्लिश ड्रामा के लिए एलिजाबेथन एज को हम गोल्डन एज के नाम से जानते हैं। इस एज के हम इंपोर्टेंट राइटर की बात करें तो क्रिस्टोफर मार्लो, फ्रांसिस बेकन, जिन्हें हम फादर ऑफ इंग्लिश एसे करते हैं। फ्रांसिस बेकन को दोस्तों हम जानते हैं फादर ऑफ इंग्लिश एसे, लेकिन दोस्तों आप जरूर कमेंट में बताइएगा कि हु इज द फादर ऑफ एसे, एसे के फादर कौन है बताइएगा। यहाँ पे याद रखिएगा फ्रांसिस बेकन इंग्लिश एसे के फादर है, एडमंड स्पेंसर, उसके बाद सर वाल्टर रेले एंड विलियम शेक्सपियर एलिजाबेथन एज के महत्वपूर्ण राइटर है। नाउ लेट्स टॉक्स अबाउट जोकोबियन एज। इट स्टार्टेड इन 1603 एंड एंडेड इन 1625, 1603 में शुरू होकर 1625 तक चलता है दोस्तों ये। किंग जेम्स बिकम द किंग ऑफ इंग्लैंड। दोस्तों जेम्स फर्स्ट राजा बनते हैं इंग्लैंड के। ही वाज द रिलेटिव्स ऑफ क्वीन एलिजाबेथ। ही वाज स्कॉटिश किंग, याद रखिएगा स्कॉटिश किंग थे। जॉन, इस एज के जो महत्वपूर्ण राइटर है जॉन डॉन, जॉन वेबस्टर, शेक्सपियर, बेन जॉनसन, माइकल ड्राइटन और जॉन वेबस्टर। अब हम बात करेंगे न्यू एक अगले एज जो है आपका द कैरोलाइन एज। द कैरोलाइन एज कवर्स द रीन ऑफ चार्ल्स फर्स्ट। ठीक है दोस्तों, इस पर अलग अलग से हम पूरा डिटेल्स क्लास लाएंगे। इसके जो महत्वपूर्ण राइटर हैं जॉन मिल्टन, जॉर्ज हर्बर्ट एंड रॉबर्ट बॉर्टन आर सम ऑफ द नोटेबल फिगर ऑफ दिस एज। अब दोस्तों बात करेंगे हम कॉमनवेल्थ एज की। द कॉमनवेल्थ एज बिगेन विद द बिहेडिंग ऑफ किंग चार्ल्स फर्स्ट।
जब दोस्तों किंग चार्ल्स फर्स्ट और उसके एडवाइजर की हत्या कर दी जाती है, बिहेडेड कर दिया जाता है, तब से कॉमनवेल्थ पीरियड शुरू होता है। कब किया जाता है? 1649 में, एंड एंडेड विद द रिस्टोरेशन ऑफ स्टुअर्ट मोनार्की वाया द कोरोनेशन ऑफ चार्ल्स सेकेंड इन 1660। मेजर राइटर वेयर जॉन मिल्टन, हेनरी नेविले। तो दोस्तों एक छोटा सा सेशन था जिसमें हम लोग बहुत से चीजों को कवर किए रिगार्डिंग रिनेसा। आगे के सेशन में इसी के जो सब पार्ट है, इलिजाबेथ हो या जोकोबियन कोरोलाइन, इनको हम एक एक करके कवर करेंगे। दोस्तों रिनेसा पीरियड के जो इम्पोर्टेंट राइटर हैं, मेजर राइटर हैं, उनका एक लिस्ट है, जैसे क्रिस्टोफर मार्लो, सर वाल्टर रीले, जॉन डॉन, एंड्रू मार्वेल, रॉबर्ट हेरिक, फ्रांसिस बेकन, जॉन मिल्टन, विलियम शेक्सपियर, एडमंड एस स्पेंसर, फिलिप सिडनी, बेन जॉनसन। इसके अलावा कुछ स्कॉलर भी थे दोस्तों इस सेशन में, जैसे पेट्राक रहे, इरास्मस रहे, विलियम ब्यूडे या माइकल डे मोनटेग्नी। दोस्तों ये पॉइंट आपके लिए कवर है, इम्पोर्टेंट है, इनके बारे में देखिएगा। और एक सवाल जो बताए थे कि फादर ऑफ एसे, तो वहां से आपको एक लिंकेज यहाँ से मिलेगा। तो इस सेशन में इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और एक शेयर आप और से कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड।